नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ अ एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स मेरे लिखे हुए है, तो ये पॉइंट के थ्रू हम इसका स्टडी करेंगे। एंड ये जो पॉइंट है ये आप एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हो, ये बहुत इजी लैंग्वेज में भी मैंने दिया है। तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि जो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म है इसका रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन यानी कि एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, इस तरह से ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। और डिवाइड होने की वजह से ये जो सेल अभी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो उसका क्या फॉर्म हो जाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यूज फॉर्म होते हैं इससे, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यूज को हम एंडोस्पर्म कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस किस में होते हैं, ओव्यूल में भी चेंजेस होते हैं एंड ओवरी में भी चेंजेस होते हैं, एंड दीज चेंजेस आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। द अदर सेल्स ऑफ अ एम्ब्रियो सैक डिसऑर्गेनाइज्ड सूनर और लेटर। तो ये जो एम्ब्रियो सैक के जो बाकी के सेल्स हैं वो बाद में डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो देखा था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉयड है, उसका बाद में क्या होता है, सेल डिविजन्स होते हैं और उसकी वजह से इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म्स। तो इस तरह से ये एंडोस्पर्म्स फॉर्म होते हैं। ये जो एंडोस्पर्म्स है ये अलग अलग टाइप्स के हैं, उसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। क्योंकि जब ये डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट होते वक्त यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस के हिसाब से इसके थ्री टाइप्स बनाए गए हैं। फर्स्ट वन इज अ न्यूक्लियर टाइप, सेकेंड वन इज अ सेल्युलर टाइप एंड थर्ड वन इज अ हेलोबियल टाइप। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर टाइप है उसमें क्या होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली विदाउट अ सेल वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ अ फ्री न्यूक्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसका रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन होता है, और यहाँ माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में यहाँ पे ये जो सेल वॉल है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अ न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रोड्यूस ओवर हियर। तो यहाँ पे ये जो सेल है उसके अंदर यहाँ पे बीचों बीच में सेंटर में एक वैक्यूल अपीयर हो जाती है, तो वैक्यूल अपीयर हो जाती है तो वैक्यूल के लिए उनको वैक्यूल को खुद के लिए स्पेस चाहिए। तो वो क्या करती है कि ये जो बाजू के न्यूक्लियाई है यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसको पेरिफेरी की तरफ यानी कि बाहर की तरफ ऐसे पुश करती है और सेंट्रल वैक्यूल बीचों बीच में रह जाती है और न्यूक्लियाई अभी पेरिफेरी की तरफ पुश हुए है। लेटर वॉल्स डेवलप बिटवीन द न्यूक्लियाई, और फिर बाद में ये जो पेरिफेरी की तरफ पुश हो गए उसके बाद में हर एक न्यूक्लियाई के अराउंड वॉल यहाँ पे डेवलप होता है एंड हेंस अ मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और उसके यहाँ अराउंड बाद में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो इस तरह से ये मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये पेरिफेरी की तरफ पहुंचने के बाद यहाँ पे ये जो सेल वॉल प्रोड्यूस सेल वॉल फॉर्म होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे ही अधूरे रह जाते हैं, यानी कि वहां पे जो सेल वॉल है वो फॉर्म होता ही नहीं है। इस जिसके एग्जाम्पल है वीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। अभी ये जो न्यूक्लियर टाइप है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर टाइप है उसमें क्या होता है, ये जो है ये जाइगोट है जिसको हम ऊस्पोर्स भी सकते हैं। यहाँ पे इसका क्या होता है कि रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन होता है, और रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे सेंटर में वैक्यूल अपीयर हो जाता है और ये वैक्यूल के लिए इसको जगह चाहिए, तो ये क्या करती है कि ये जो बाजू के न्यूक्लियस है उसको पेरिफेरी की तरफ पुश करती है और ये खुद सेंटर में रह जाती है, और फिर बाद में ये जो साइड के जो न्यूक्लियाई है उनके अराउंड वॉल फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। वॉल फॉर्मेशन यहाँ पे डेवलप हो जाती है और इस तरह से एंडोस्पर्म यानी कि मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। अभी हम देखेंगे कि सेलुलर टाइप में क्या होता है। इन सम प्लांट्स डिवीजन ऑफ अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन।
सो दैट द एंडोस्पर्म इज सेलुलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इनका रिपीटेडली डिवीजन होता है, इमिडिएटली ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसका क्या हो जाता है कि यहाँ पे सेल वॉल फॉर्म हो जाती है. सो सेल वॉल यहाँ पे फॉर्म होती है तो वो सेलुलर फॉर्म हो जाता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. इसका एग्जाम्पल है बाल्सम ट्यूनिया एडोक्सा. ये है सेलुलर टाइप. सेलुलर टाइप में क्या होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो डिवीजन हुआ है, यहाँ पे ये डिवीजन होता है, यहाँ पे फिर से ये डिवीजन होता है, ऐसे रिपीटेडली यहाँ पे डिवीजन होता है. बट डिवीजन होने के इमीडिएटली नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ये सेल वॉल यहाँ पे फॉर्म होती है. हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे सेल वॉल फॉर्म होती है और इस तरह से ये जो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है. अभी हम देखने जा रहे हैं हेलोबियल टाइप. हेलोबियल टाइप में क्या होता है, डिवीजन ऑफ अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अ ट्रांसवर्स वॉल टू फॉर्म अनइक्वल सेल. नेक्स्ट द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज अ चलाजल सेल एंड द लार्ज सेल इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइलर सेल. एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो उसका जब फर्स्ट डिवीजन होता है तो इट इज डिवाइड इंटू टू सेल्स विच आर अनइक्वल. तो उसमें से ये जो स्मॉलर सेल है इट इज कॉल्ड एज अ चलाजल सेल एंड द लार्जर सेल इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइलर सेल. देन द न्यूक्लियाई ऑफ ईच सेल डिवाइड्स बाय अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन वॉल डेवलप्स बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द माइक्रोपाइलर चेम्बर. तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही उनका न्यूक्लियाई का डिवीजन होता है उसके बाद में ये जो फ्री न्यूक्लियाई है तो इनका फर्स्ट डिवीजन होने के बाद में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और देन ये जो न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसके अराउंड यहाँ पे सेल वॉल डेवलप होती है एट अ माइक्रोपाइलर चेम्बर. इट इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन अ सेलुलर एंड अ न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म. फॉर एग्जाम्पल एस्फोडिलस लोबियल टाइप है, उसमें क्या होता है फर्स्ट डिवीजन है, उसमें क्या होता है कि ये जो दो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, ये अनइक्वल है. उसमें से जो ये स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर सेल है, उसको चलाजल सेल कहते हैं एंड ये जो अपर वन, ये जो बिगर वन है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर सेल ऐसे कहते हैं. और उसके बाद में इनका फिर से डिवीजन होता जाता है और यहाँ पे ये ऐसे न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म हुआ है और उसके अराउंड फिर बाद में सेल वॉल प्रोड्यूस्ड हो जाती है. तो यहाँ पे इनका डिवीजन होने के बाद न्यूक्लियर टाइप की तरह फिर से यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल अपीयर हो जाती है और ये जो न्यूक्लियाई है वो पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाते हैं एंड देन फाइनल जो एंडोस्पर्म है वो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है. तो हेलोबियल में क्या होता है, न्यूक्लियर की तरह यहाँ पे ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ये अपीयर होती है एंड देन यहाँ पे ये जो सेल वॉल है इसके अराउंड फॉर्म होती है और सेलुलर की तरह यहाँ पे इसको यहाँ पे इसमें डिवीजन होता है एंड देन ये सारी आगे की प्रोसेस होती है. सो इट इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द सेलुलर एंड अ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. तो इस तरह से हमने न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप के बारे में स्टडी कर लिया है. इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.